ये लस्सी है, कोई फेविकोल नहीं है। ये फेविकोल कैसा है कि कोई खा नहीं सकता, हमारी लस्सी को कोई खा भी सकता है, पी भी सकता है और पिला भी सकता है। लोगों का माइंड हैक हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे ये क्या चीज़ बेच रहा है। भाई हमारे पास कभी ना ख़त्म होने वाला जादुई लस्सी का कुआ है, जो पिछले 100 साल से सूरत की जनता की सेवा में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने जेकी भाई के वहाँ। आज मैं आपको दी वर्ल्ड फेमस, दी सूरत फेमस, दी गुजरात फेमस, दी इंडिया फेमस लस्सी की एक नंबर रेसिपी दिखाएंगे कि उसमें क्या आता है। तीस किलो का डब्बा है, दो हाथों में मेरा 60 किलो है। इसको उठाने का स्टेमिना होना चाहिए, और ये जयशंकर की लस्सी भी ऐसे आता है। 30 किलो का डब्बा एक हाथ से उठाने का स्टेमिना। अभी देखिए सर, ये लस्सी आपके सामने पेश करते हैं, जयशंकर की मैंगो लस्सी, जयशंकर की वेनिला लस्सी, प्योर पंजाबी और पिस्ता लस्सी। लस्सी आपको हर जगह मिलेगी, और जयशंकर की लस्सी इतनी क्यों अलग है वो आज मैं दिखाऊंगा आपको। चलो सबसे पहले इसके अंदर है ना मलाई क्रीम डालेंगे हम, जिससे इसका पूरा टेक्सचर बदल जाएगा और एकदम डिलीशियस हो जाएगी ये। देखिए सर ये कितना गाढ़ा है, खाली इसका टेक्सचर देखिए आप, एकदम मलाई क्रीम भरपूर। देखिए सर ये प्योर क्रीम एकदम मलाई से भरा हुआ, जिससे आप घी भी बना सकते हो, हर एक और भी आइटम बना सकते हो, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना टेस्ट आता है। ये हमारी मैंगो क्रीम लस्सी है, इतनी घाटी है देखिए आप, हिला भी नहीं सकते, इतनी घाटी लस्सी है। देखो सर इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है, वो क्रीम डालने से, मलाई डालने से इसका टेक्सचर आ रहा है। देखे ये प्योर मैंगो के रस में से ही बनाएंगे लस्सी, अभी जाके इसका पूरा टेस्ट आएगा। ठीक है सर, लस्सी में सबसे ज़्यादा फ्लेवर जयशंकर लस्सी पे आपको मिलेगी, वो भी कैसी फ्रेश और ताज़ी लस्सी मिलेगी हमारे वहाँ। यहाँ पे आपको वेनिला, पिस्ता, गुलाब, मैंगो, चॉकलेट, हर तरीके की लस्सी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा बढ़िया हमारी प्योर पंजाबी दही की मलाई डाल लस्सी है। देखिए सर, वैसे तो कोई रेसिपी दिखाएगा नहीं अपनी सीक्रेट, और हालांकि जब जयशंकर लस्सी इतने अच्छे मुकाम पे है तब तो 100% नहीं दिखाना चाहिए, पर हमारा मन बहुत साफ है, हमारी आइटम प्योर है, नेचुरल है और स्वास्थ्य के लिए एकदम गुणकारी है। आज हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा गया है शास्त्रों के अनुसार कि रोज डेली दही खाओ आप, दही खाने से आपका एंटीबायोटिक बढ़ता है, शरीर में ताकत आती है। देखो ऐसी ताकत मिलती है, ताकत बराबर है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ की लस्सी प्योर पंजाबी दही की आपको इतनी बढ़िया लगती है। इसका मेन रीज़न है प्योर दूध में से बनता है, 7-8 फेट का ये दूध बनता है, उसमें से ये लस्सी हम बनाते हैं, तब जाके हर एक कस्टमर को ये पीने में मज़ा आती है। जयशंकर की लस्सी अंबानी परिवार भी पी सकता है, अडानी परिवार भी पी सकता है, मोदी परिवार भी पी सकता है, बीजेपी परिवार भी पी सकता है, गांधी परिवार भी पी सकता है, हर एक कांग्रेसी भी पी सकता है, कॉमन मैन भी पी सकता है, हर एक के लिए सेफ है लस्सी हमारी, एक समान प्राइस है और हर एक के पॉकेट में इतने रुपये हो गए, इतना रिजनेबल भाव से हम हमारी लस्सी बेचते हैं कि हर एक को पीने में मज़ा आएगी और दिल से बोलेंगे कि वाह क्या बात है। यहाँ पे हमारी मैंगो, वाइट वेनिला और पिस्ता लस्सी बन गई। तो आपने एक बात नोटिस की सर कि वो कुदरती हमारा राष्ट्र ध्वज का रंग जैसा हो गया पूरा। मैं आज बोलना चाहूँगा सर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनकी, ये गुलसिता हमारा। यहाँ पे जयशंकर लस्सी पे हर एक कौम के लोग आते हैं, हिंदू आएंगे, मुसलमान आएंगे, पारसी आएंगे, गांची, गोला, खत्री, मराठी, पंजाबी, क्रिश्चियन, सब लोग मिलजुल के यहाँ पे आते हैं। ये ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी, एक जगह पे मुसलमान परिवार बैठा है, एक जगह पे हिंदू परिवार बैठा है,
एक जगह पे पंजाबी परिवार बैठा और हर एक मिलजुल के बैठे गया। आज उनमें से कोई भी बुजुर्ग आएगा ना तो मुसलमान अपनी कुर्सी दे के देगा कि बैठो बैठो आंटी बैठो, हिंदू देखेगा कोई मुसलमान की लेडीज़ खड़ी है तो वो उसकी कुर्सी देगा। इतना भाईचारा इतना संप आपको देखने को मिलेगा ओनली जयशंकर लस्सी की दुकान पे। ये हमारी लस्सी गांधी जी के टाइम की है, वो हमको नहीं मालूम है, हमारा तो जन्म भी नहीं था। और हमारे दादा दादी ने हमको बताया था कि जब ये आर्य समाज मंदिर है वहाँ पे गांधी जी जब सूरत में पहली बार आए थे तब से हमारी लस्सी की शॉप है। तब लस्सी की कीमत ओनली 10 पैसा, तब से हम बेच रहे थे। और आज इतने सालों के बाद भी लोग पूछते हमको कि आपने इतने साल किया क्या, आज आपके साथ हम थे तो हम बंगले गाड़ी मर्सिडीज में आ गए और आज भी आप वो ऐसे ही सिंपल सोबर हो गए। और हमने लोगों का प्यार कमाया, पैसा नहीं कमाया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सस्ता बेचो अच्छा बेचो। हम कमाने जाते तो लोगों का प्यार हमको नहीं मिलता, तो आज हमने लोगों का प्यार कमाया हुआ। ये जेकी भाई हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी, आज सूरत शहर की पूरी जनता मेरे को पहचानती है कि ये जेकी भाई है लच्छी वाला अपना। इतना मैं कॉमन मैन हूँ, इतना कि आज छोटे से छोटा भी आदमी आएगा तो उसको प्रेम रिस्पेक्ट से भाव से बुलाएंगे, करोड़पति भी आएगा तो उसको दो हाथ जोड़ के ही बुलाएंगे। ये हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में है, हमारे मन में है। इसके लिए मैं सूरत की जनता के मन में बसता हूँ और सूरत की जनता मेरे दिल में बसती है। जय शंकर लस्सी की सबसे हॉट फेवरेट मज़ेदार लजीज और डिलीशियस लस्सी है प्योर पंजाबी ढंग की मलाई काजू लस्सी, जो पीने में मज़ा है हमको पिलाने में मज़ा है। हमारी पंजाबी लस्सी में आपको मलाई खाने को मिलेगी, क्रीम खाने को मिलेगा, श्रीखंड भी मिलेगा। काजू तो हमारे गोवा के हैं, गोवा के जो खाने में भी मीठे और दिखने में भी सफ़ेद दूध जैसे रहते हैं। देखो ये लस्सी का जादू देखना है ना भाई लोग, हर एक अपने वीडियो देखने वाले देखना है भाई, एकदम बढ़िया वाला गिरा। ओ भाई गिरा के नहीं गिरा, नहीं गिरा ना, चलो नहीं गिरा ना, लो देखो रेडी गिरा, चलो आ जाओ गिरा आगे। ये कैसे गिरा, गिरा के नहीं तो इसमें क्यों नहीं गिरता है भाई, इसमें क्यों नहीं गिरता है। हमारे पास कभी ना ख़त्म होने वाला जादुई लस्सी का कुआ है जो पिछले 100 साल से सूरत की जनता की सेवा में है, बराबर है, जो आगे भी बढ़ता जाएगा। सूरत के जनता के प्रेम और प्यार से कभी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। क्यों कि हम रोज़ लाते हैं, रोज़ बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन चलता है और कभी ख़त्म नहीं होगा सर। आजकल के ये लोग जो दारू का नशा कर रहे हैं, अपने परिवार को दारू के नशे की वजह से ख़त्म कर रहे हैं, ये जयशंकर की मीठी लस्सी का नशा नहीं मालूम है उनको। आओ दोस्तों एक बार जयशंकर की लस्सी पियो तो आपका दारू का नशा ख़त्म हो जाएगा और हमारी लस्सी का नशा शुरू होगा, जिससे आपका परिवार का भी भला होगा और आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा हमारे मोदी जी की तरह। बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये लस्सी जो हमारी है इतनी जाड़ी, तो लोगों का सिस्टम हैक कर दिया है उन्होंने कि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई जयशंकर वाला लस्सी कहाँ से बना रहा है। लोगों का माइंड हैक हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या चीज़ बेच रहा है भाई। आज मेरे को दुबई अमेरिका लंदन से लोग फ़ोन पे है कि खाली आप रेसिपी बताओ, आप बोलोगे उतना रुपया मिलेगा। और नहीं, ये धंधा हमारा रोजी रोटी का सामान है, ये धंधा हमारा मोनोपोली है। आज 75 साल से हमारे बाप दादा ने हमको जो सिखाया वो इतनी आसानी से थोड़ा कोई को दे देगा। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, आज हमारे सूरत की जनता की प्यार मोहब्बत है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वो कितना पैसा भी खर्चा करोगे वो मिलेगा नहीं, वो मैं कैसे दे दूँ। इसके लिए मैं उनको बोलूँगा आओ सूरत जयशंकर की लस्सी पियो और मज्जानी लाइफ जियो। ये लस्सी है कोई फेविकोल नहीं है, ये फेविकोल कैसा है कि कोई खा नहीं सकता, हमारी लस्सी तो कोई खा भी सकता है
पी भी सकता है और पिला भी सकता है। जब हमारे सूरत शहर के दूर दूर के गांव है, वहां पे जब रात को बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ क्या बोलती है, बेटा सो जा, कल सुबह मैं जयशंकर की लस्सी पिलाऊंगी, बेटा सो जा, तब जाके बेटा सो जाता है। ऊपर तो जो लल्लू ऊपर लाओ। अरे भाई ऐसा नहीं है, कभी कभी गिर भी जाती है, गर्मी कैसा है, आदमी पिघल रहा है तो लस्सी नहीं पिघलेगी, तो फिर आदमी पिघल रहा है तो लस्सी की क्या हालत होगी। दोस्तों मैंने यहाँ से ली है मेरी ऑल टाइम फेवरेट पिस्ता जो लस्सी, जिसकी प्राइस रहती है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए की लस्सी में हमें भर भर के ड्राई फ्रूट मिल रहा है, काजू है, बादाम है, बढ़िया सा आइसक्रीम है, साथ में मलाई है, श्रीखंड है, बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों अगर आपके मन में जरा लस्सी पीना पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये जगह लोकेटेड है चौक बाजार में, जयशंकर लस्सी वाला सूरत। सो यस फॉर नाउ सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दो, आपको ज्यादा पसंद आ रहा है तो दोस्तों शेयर कर दो, और ऐसे ही देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस हमारे पेज को फॉलो करना है। पीस आउट।